जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूँ आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम राजस्थान इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं और बात करें अगर हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति की, तो हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, राजस्थान की भाषा बोलियां और साहित्य, राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियां, राजस्थान की हस्तकला, हस्तशिल्प, लोक कलाओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं। इन सभी के वीडियो लेक्चर दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्यों की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन रहेगा आज का, और साथ में हम एक विशेष नृत्य की बात भी कर देंगे। लेकिन आज हम ज्यादातर फोकस थोड़ा इंट्रोडक्शन पे करेंगे और थोड़ी सी और जो चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि लोक नृत्य का अर्थ क्या होता है। लोक नृत्य का अर्थ क्या होता है, तो लोक नृत्य किसे कहते हैं हम, ये बात जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी हम पूरे टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। लोक नृत्य का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा नृत्य जो किन्हीं नियमों से बंधा हुआ नहीं होता है। ऐसे नृत्य जो कि नियमों से बंधे हुए नहीं होते, जिनमें मुद्राएं निश्चित नहीं होती है, जिनमें अंगों का परिचालन निश्चित नहीं होता है, लोक नृत्य कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसे नृत्य जो कि नियमों से बंधे हुए नहीं रहते हैं, उसमें मुद्राएं निश्चित नहीं होती है, अंगों का परिचालन निश्चित नहीं होता है, उन्हें दोस्तों हम लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान में बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। जब इनमें नियम नहीं है, जब इनमें अंगों का परिचालन फिक्स नहीं है, जब इनमें मुद्राएं फिक्स नहीं है, तो फिर नृत्य कब गठित होते हैं? तो दोस्तों ये नृत्य तब गठित होते हैं जब व्यक्ति उत्साह में हो, व्यक्ति या फिर समूह उत्साह में हो, और वो अपने उत्साह को प्रकट करने के लिए अपने अंगों का रेंडमली यानी यादृच्छिक रूप से परिचालन करे, तब ये नृत्य गठित होता है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि लोक नृत्य में कोई नियम नहीं होते हैं, कोई अंगों का परिचालन निश्चित नहीं होता है, तथा मुद्राएं निश्चित नहीं होती हैं। यानी ऐसे नृत्य जो कि नियमों से बंधे नहीं होते हैं, ऐसे नृत्य जो नियमों से बंधे नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, लोक नृत्य कहलाते हैं। इनमें अंगों का परिचालन निश्चित नहीं होता है, साथ में मुद्राएं भी निश्चित नहीं होती है। मुद्राएं तथा अंगों का परिचालन दोस्तों निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा या तो व्यक्ति पर्सनल करेगा, ठीक है, या तो व्यक्ति कैसे करेगा भाई, पर्सनल करेंगे। जैसे आपकी जम गई कि मेरे को लोक नृत्य करना है, पढ़ लो, कौन रोक रहा है आपको, कमरा बंद करो, उसकी चुटकने लगाओ अंदर की और कर लो, अंडरस्टैंड, कैसे भी नाच लो, तो वही नृत्य है, लोक नृत्य का अर्थ है ना। व्यक्ति या फिर समूह के द्वारा उत्साह के क्षणों में किए जाते हैं और मन पड़े जैसे नाच लिया जाता है दोस्तों, वही लोक नृत्य कहलाता है। तो हो गया अपना लोक नृत्य का अर्थ, हुआ नियमों से बंधे हुए नहीं होते हैं, मुद्राएं निश्चित नहीं होती, अंगों का परिचालन निश्चित नहीं होता है, व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपने उत्साह के क्षणों में जिस प्रकार से जो डांस निकल जाए वही लोक नृत्य कहलाते हैं। बहुत सारे लोक नृत्य हैं दोस्तों राजस्थान की जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों राजस्थान के प्रमुख नृत्य के बारे में, जो कि लोक नृत्य नहीं है, उसका नाम है, या फिर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य का क्या अर्थ है। अगर हम दोस्तों डिस्कस करें कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य हम उन्हें कहते हैं ऐसे नृत्य जो कि नियमों से बंधे हुए हो, जिनमें अंगों का परिचालन तथा मुद्राएं निश्चित हो, उन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। यानी कि ये दोस्तों किससे बंधे होते हैं, नियमों से बंधे होते हैं। ये जो
शास्त्रीय नृत्य से ही नियमों से बंधे होते हैं। राजस्थान में केवल एक ही शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है दोस्तों कथक। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है दोस्तों कथक। कौन सा नृत्य है? कथक। राजस्थान में एक ही शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है और फेमस है, जिसका क्या नाम है? कथक नृत्य। कथक नृत्य का संबंध, अच्छा कथक नृत्य दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, मतलब ये लोक नृत्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। कथक नृत्य का संबंध राजस्थान के जयपुर घराने से है, यानी कि कथक नृत्य का राजस्थान में केवल एक ही घराना है, उसका नाम है दोस्तों जयपुर घराना। कौन सा घराना है? जयपुर घराना। कथक नृत्य में दोस्तों पद और ताल को महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? पद और ताल को महत्व दिया जाता है। जयपुर घराना ही हमारे राजस्थान का एकमात्र इसका घराना है। और जयपुर घराने में भी अगर हम दोस्तों जयपुर घराने में भी अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो भानुजी महाराज के द्वारा इस नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय प्राप्त है, या फिर भानुजी महाराज जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयपुर घराने में जो कथक नृत्य है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। थोड़ी बहुत चार पांच लाइनें हैं जो कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो उनको लिख भी लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये हो गया कि राजस्थान का कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। और राजस्थान में इसका एकमात्र घराना है दोस्तों, उसका क्या नाम है? जयपुर घराना। राजस्थान में इसका एकमात्र घराना है दोस्तों, जिसका नाम है जयपुर घराना। और जयपुर घराने में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? भानुजी महाराज माने जाते हैं। भानुजी महाराज को इसका प्रवर्तक माना जाता है। तो ये जानकारी भी आप ध्यान में लेना, ये भानुजी महाराज कौन है, भी प्रवर्तक है इसके। राजस्थान में कथक नृत्य का एकमात्र घराना जयपुर घराना है, भानुजी महाराज को इसका प्रवर्तक माना जाता है। कथक नृत्य में दोस्तों पद और ताल को महत्व दिया जाता है, पद एवं ताल को महत्व दिया जाता है। पद एवं ताल को क्या दिया जाता है भाई? महत्व दिया जाता है दोस्तों। जयपुर घराने में ये जो कथक नृत्य है इसको सवाई जयसिंह के समय काफी संरक्षण प्रदान किया गया था। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में एक सिटी पैलेस है, उस सिटी पैलेस में गुणी जनखाना एक विभाग है, उस गुणी जनखाना में कथक नृत्य को संरक्षण प्रदान था। तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। देख लेते हैं भाई, सवाई जयसिंह जयपुर का जो शासक था काफी प्रतापी शासक था भाई, कला प्रेमी शासक भी था। इसके द्वारा जयपुर में जयपुर के सिटी पैलेस में, जयपुर के दोस्तों कौन से पैलेस में? सिटी पैलेस। जयपुर के सिटी पैलेस के गुणी जनखाने में, ध्यान में रख लेना गुणी जनखाना, कौन सा खाना भी? गुणी जनखाना। सवाई जयसिंह के द्वारा सिटी पैलेस जयपुर के गुणी जनखाना में कथक नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था, संरक्षण प्रदान किया गया था। और दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा ही जयपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, उस मंदिर का नाम है दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर। क्या नाम है भाई? गोविंद देव जी का मंदिर। कमेंट करके बताओ भाई, हम क्योंकि राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ ही चुके हैं, तो आप कमेंट करके बताओ कि गोविंद देव जी का मंदिर कौन से संप्रदाय से संबंधित है जो कि जयपुर में है। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था, और इस गोविंद देव जी के मंदिर में दोस्तों सायकाल यानी कि शाम के समय हरि प्रसाद एवं हनुमान प्रसाद ये दोनों भाई थे दोस्तों, ये क्या थे भाई, इन दोनों के द्वारा दोस्तों कथक नृत्य किया जाता था। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर निर्मित करवाया गया, स्थापित करवाया गया, और इसी गोविंद देव जी के मंदिर में दोस्तों शाम के समय यानी कि सायंकाल के समय हरि प्रसाद तथा हनुमान प्रसाद नामक भाइयों के द्वारा कथक नृत्य बहुत ही खूबसूरती से किया जाता था। इसी वजह से जयपुर के जो स्थानीय लोग इनका डांस देखने के लिए आते थे, इनका कथक नृत्य देखने के लिए आते थे, वो इन दोनों भाइयों को देवपरियों की संज्ञा देते थे। इन दोनों भाइयों को दोस्तों देवपरियों की संज्ञा भी दी जाती है। किसने दी थी? स्थानीय लोगों ने दी थी। देवपुरियों की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? देवपुरियों की संज्ञा
दी जाती है। दोस्तों अगर हम कथक नृत्य की बात करें, करनी पड़ेगी क्योंकि कर ही रहे, तो कथक नृत्य को संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध करने का श्रेय पंडित दुर्गा शंकर को प्राप्त है। पंडित दुर्गा शंकर के द्वारा संपूर्ण भारत और संपूर्ण पंडित दुर्गा शंकर के द्वारा संपूर्ण भारत एवं विश्व में कथक नृत्य को लोकप्रिय बनाया गया। इनके द्वारा संपूर्ण भारत तथा संपूर्ण विश्व में कथक नृत्य को दोस्तों लोकप्रिय बनाया गया। एक पॉइंट ये भी आप जरूर ध्यान में रख लेना। बहुत सारे इसके कलाकार हैं दोस्तों, बिरजू महाराज जिनकी कुछ समय पहले डेथ हुई थी, वो भी कथक नृत्य से संबंधित है। मालविका आप्टे का संबंध इससे है, रोहिणी का संबंध कथक नृत्य से माना जाता है, बहुत सारे कलाकार इससे संबंधित है। लेकिन हम वही जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जो आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता पहुंचाए। दोस्तों दो शब्द आते हैं कथक नृत्य में, एक तो आता है आमद शब्द, एक तो शब्द आते हैं दोस्तों आमद शब्द आते हैं। आमद शब्द का क्या अर्थ होता है उसकी चर्चा करेंगे। एक शब्द आता है दोस्तों भाट शब्द। तो आमद शब्द का अर्थ होता है कथक नृत्य में, एक शब्द आता है आमद, और आमद का अर्थ है दोस्तों कलाकार का मंच पर प्रवेश करना, क्या कहलाता है आमद कहलाता है। और भाट का क्या अर्थ है, कलाकार का मंच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना पैर उठाए जाना भाट कहलाता है। तो ये भी ध्यान में रख लेना, कलाकार का लिखूं क्या बोल दिया बस ध्यान में रख लो ना। तो आमद का अर्थ है दोस्तों कलाकार का मंच पर प्रवेश करना, क्या कहलाता है आमद कहलाता है। और कलाकार का मंच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना पैर उठाए जाना भाट कहलाता है। तो ये हमने दोस्तों जितनी भी जानकारी साझा की है आपके साथ वो लोक नृत्य की परिभाषा के संदर्भ में किए और शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में किए। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है जिसका संबंध जयपुर घराने से है, और जयपुर घराने में कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। सवाई जय सिंह जयपुर के शासक के द्वारा कथक नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था गुणीजन खाने में, और गुणीजन खाना सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। इसके अलावा सवाई जय सिंह के द्वारा ही जयपुर में दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर निर्मित करवाया गया था, और इसी गोविंद देव जी के मंदिर में हनुमान प्रसाद तथा हरि प्रसाद नामक दो भाइयों के द्वारा सायकाल के समय कथक नृत्य किया जाता था। स्थानीय लोगों के द्वारा इनको देवप्रियों की संज्ञा दी गई। संपूर्ण भारत तथा विश्व में कथक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंडित दुर्गा शंकर को प्राप्त है। और दो शब्द आमद और एक भाट, तो सारी जानकारियां होगी। लोक नृत्य की क्या परिभाषा है दोस्तों, लोक नृत्य जिनके विषय में हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारे तेरह ताली के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे लोक नृत्य के विषय में पढ़ेंगे। लोक नृत्य का अर्थ क्या है, ऐसे नृत्य जो कि नियमों से बंधे हुए नहीं होते हैं। इन नियम ऐसे क्या बोला दोस्तों मैंने, लोक नृत्य का अर्थ है, लोक नृत्य का अर्थ है ऐसे नृत्य जो कि नियमों से बंधे हुए नहीं होते हैं। न तो इन नृत्यों में मुद्राएं निश्चित होती है, नहीं अंगों का परिचालन निश्चित होता है, और व्यक्तित्व समूह द्वारा उत्साही समय में रैंडमली डांस किए जाते हैं, इन्हें लोक नृत्य कहते हैं। इनके विषय में हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।